आप सभी का कुंदन स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पॉलिटेक्निक 2021 के बारे में कि 2021 का फॉर्म कब आएगा, ना इतना के बीच में आ सकता है क्योंकि ऑफिशियल प्रिपरेशन कैसे करें। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल कुंदन स्टडी। आप सभी का कुंदन स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पॉलिटेक्निक 2021 के बारे में कि 2021 का फॉर्म कब आएगा। आप बहुत सारे बच्चे जो थे जो कहें कि सर आप 20 का तो बहुत अच्छा तैयारी किए, बहुत अच्छा हम लोग का रिजल्ट भी हुआ, तो अब 21 के बारे में सर। तो देखो बाबू, रिजल्ट पे भी बात, तैयारी पे भी बात करेंगे, तुम्हारा फॉर्म पे भी बात करेंगे। तो देखो पहले बात कि 2021 का सर फॉर्म कब आएगा, कब आएगा फॉर्म। बहुत सारा सर गूगल पे दिखाता है कि अप्रैल में आएगा, सर गूगल पे दिखाता है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आएगा, गूगल पे दिखाता है कि जुलाई में आएगा। सर देखो बाबू, गूगल हट के हम जो भी न्यूज देते हैं, जो ऑफिशियली न्यूज देते हैं, ये नहीं कि गूगल पे क्या दिखा रहा है या कहाँ क्या दिखा रहा है, ऑफिशियली न्यूज देते हैं बाबू, जो भी हम न्यूज देते हैं। तो देखो बाबू, तुम लोग बात को समझो, ठीक है, तुम लोग क्या करो बात को समझो। 2021 का जो तुम लोग एग्जाम दोगे ना, उसका फॉर्म जो है, उसका फॉर्म अभी कोई संभावित डेट नहीं है, अभी भी कोई ऑफिशियल डेट नहीं है, लेकिन सर एक संभावित डेट तो बता सकते हैं कि इतना से इतना के बीच में आ सकता है, क्योंकि ऑफिशियल जो बोल रहा है कि 15 अप्रैल को आ जाएगा, 15 अप्रैल को आ जाएगा, या बोल रहा है कि 15 जून के आ जाएगा, ठीक है, तो आपको झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है आपको, वो झूठ बोल रहा है, कोई भी अभी डेट नहीं दिया गया है कि आपका इतना तारीख को आ जाएगा, ठीक है, अभी कोई डेट नहीं है, लेकिन संभावित डेट एक एक्सपेक्ट डेट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, एक्सपेक्ट डेट तुम्हारा दे सकते हैं। तो देखो बउआ, एक्सपेक्ट डेट दे सकते हैं मेरे स्टूडेंट सब, मेरे विद्यार्थी। देखो तो एक्सपेक्ट डेट में क्या है बाबू, अभी तुम्हारा 14 तारीख तक मॉप अप काउंसिलिंग हो रहा है, जो 2020 का है, ठीक है, जो मॉप अप काउंसिलिंग हो रहा है 14 अप्रैल तक, तो 2020 का है, ठीक है। तो सर ये तो 14 तक तो 2020 का है सर, तो इतना तक तो आएगा नहीं, अब छोड़ दीजिए 14 तक एकदम खत्म, तब 14 तक खत्म मतलब कि पूरा अप्रैल खत्म, मतलब कि पूरा अप्रैल में फॉर्म नहीं आएगा, ठीक है, अप्रैल में फॉर्म नहीं आएगा, और मैट्रिक का रिजल्ट भी निकल चुका है, तो फॉर्म तुम्हारा कब आएगा, फॉर्म एक्सपेक्ट डेट क्या है सर। तो चलो तुम लोग को अब हम बता देते हैं कि कब तुम्हारा एक्सपेक्ट डेट है फॉर्म आने का। फॉर्म तुम्हारा नहीं तो थर्ड वीक में आएगा तुम्हारा किसका, मई का, या फोर्थ वीक में आएगा मई का, मतलब कि लास्ट वीक जिसको हम लोग कहते हैं मई, मई हिंदी में मई, तीसरा हफ्ता में मई के, नहीं तो दूसरा चौथा हफ्ता में मई के, ठीक है, तीसरा या चौथा हफ्ता, मतलब कि मई लास्ट में फॉर्म आएगा, अप्रैल में अब फॉर्म नहीं आएगा। और बाबू अब तुम्हारा जब भी फॉर्म आए, ऑफिशियली न्यूज नहीं है, फिर से बता दें ये मेरे तरफ से एक्सपेक्टेड डेट है, इसी के बीच में आ सकता है, ऑफिशियली न्यूज नहीं, अभी ऑफिशियली न्यूज कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है, अभी तक ऑफिशियली न्यूज कुछ नहीं दिया गया है। अब बहुत सारा बच्चा पूछ रहा था कि सर प्रिपरेशन क्या है, सर प्रिपरेशन कैसे करें, सर कोई तो तरीका दीजिए तैयारी करने का। तो देखो बाबू, प्रिपरेशन क्या बात करेंगे, प्रिपरेशन पे एक बार इसको इरेज कर लेते हैं, प्रिपरेशन पे हम लोग बात करते हैं, इसको एक बार इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक चैनल को जब तक हम इरेज कर रहे हैं तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब कर दो, ये सब आपकी कारण है तो कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी हम प्रिपरेशन आगे का वीडियो देंगे तो तुमको पता चलते रहेगा, ठीक है, आगे का जब हम तुमको वीडियो देंगे तो तुमको पता चलेगा। अब देखो बाबू क्या प्रिपरेशन, देखो तो प्रिपरेशन कैसे करें सर, ये नहीं है ये वाला है, प्रिपरेशन कैसे करें सर, क्या सर प्रिपरेशन मतलब हिंदी में तैयारी सर कैसे करें, बहुत सारा बच्चा पूछ रहा। तो तैयारी आपके पास दो माध्यम है, ठीक है, ये नहीं कह रहे कि क्या माध्यम है, एक तुम्हारा ऑनलाइन,
एक तुम्हारा ऑफलाइन जो अभी नहीं हो सकता। दो माध्यम है उसमें ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं क्योंकि आपका कोविड के कारण ट्यूशन स्कूल तो पहले ही बंद है, इतना ज्यादा कोविड फैल रहा लगता है आपका, लॉकडाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ये तुम्हारा होगा नहीं। अब फॉर ऑनलाइन, ऑनलाइन बाबू कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, हमारे चैनल से। किससे? हमारे चैनल मतलब क्या, कुंदन स्टडी से, जो हमारा चैनल है उसे तुम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। ये बच्चा लोग पूछ रहा है, तो देखो बउआ ऑनलाइन प्रिपरेशन में हम लोग आप क्या दीजिएगा, पहला चीज दो लाइव क्लास देंगे। दो लाइव क्लास कब? डेली, सिर्फ संडे को छोड़ के, संडे अभी छुट्टी रहेगा, वो भी एग्जाम नजदीक आएगा तो डेली रहेगा, और ये दो नहीं, एग्जाम नजदीक आएगा तो चार हो जाएगा। पीडीएफ नोट्स मिलेगा, होमवर्क मिलेगा, ठीक है, होमवर्क मिलेगा। और देखो तुमको बताते हैं, होमवर्क तो मिल गया, वीवीआई क्वेश्चन मिलेगा, जो क्वेश्चन आने वाला रहेगा, एक्सपेक्ट क्वेश्चन रहेगा, जो क्वेश्चन लड़ सकता है डायरेक्ट वो क्वेश्चन रहेगा, चैप्टर वाइज क्लास रहेगा, इतना चीज समझ रहे हो, ठीक है, इतना चीज समझ रहे हो क्या क्या मेरे फैसिलिटी में रहेगा ऑनलाइन में। दो लाइव क्लास डेली होगा, जो सब्जेक्ट साइंस और आपका मैथ्स का होगा, पीडीएफ नोट्स, होमवर्क मिलेगा। होमवर्क कैसे मिलेगा सर, सबको अभी समझा रहे हैं। पीडीएफ नोट्स तुमको टेलीग्राम पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर जाओ। तुम्हारा होमवर्क सर, तो होमवर्क भी टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा तुमको, फाइल बना के मेरे व्हाट्सएप पे जो डिस्क्रिप्शन में है उस पे भेज देना है, ठीक है। और अपना नाम, आईडी, जिस आईडी से आते हो, वीवीआई क्वेश्चन, एक्सपेक्ट क्वेश्चन, और तुम्हारा चैप्टर वाइज क्लास। चैप्टर वाइज क्लास वो भी अभी चल रहा है, ठीक है, आज 6 तारीख है, 6 अप्रैल, तो चैप्टर वाइज क्लास डेली आपका चल रहा है, उसमें 2-3 टॉपिक हम चैप्टर खींच भी दिए हैं उसमें हर एक टॉपिक, ठीक है। चैप्टर वाइज क्लास में आपका टॉपिक वाइज देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं तो करेंट टॉपिक दे दिए, ओम फ्लॉ एक टॉपिक दे दिए, रेसिस्टेंस एक टॉपिक दे दिए, चार्ज एक टॉपिक दे दिए, तो टॉपिक वाइज होती है। इतने बात को आप लोग समझ रहे हो बाबू, ठीक है। अब देखो बाबू, ये सब करवाइएगा सर तो फी, अब बच्चा कहा जाता है क्या, मेन प्रॉब्लम आपका सब बच्चे का है फी, क्या है, रुको ये नहीं चल रहा है, इसे लिख देते हैं फी, ठीक है, क्या फी। तो बाबू लॉकडाउन को देखते हुए और सब चीज देखते हुए आपका हमारे चैनल पे, हम पहले भी बोले हैं, अगर पुराने स्टूडेंट है तो जानते हैं, फी 0 रुपया है, कितना है, 0 शून्य, फी 1 रुपया नहीं लगेगा, फी 1 रुपया नहीं लगेगा। फी आपको बस यही देना है कि आपको एक शपथ ले लेना है कि सर हम मन लगा के आपके चैनल से पढ़ेंगे और यूआर रैंक वन लाएंगे, ठीक है, बस यही तुमको फी देना है, ठीक है। और बाकी सब समझ गए कैसे तैयार चलेंगे, इस पे डिस्कस और चाहते हो तो 7 अप्रैल को, कितना, 7 अप्रैल को हम लाइव आ जाएंगे, ठीक है, 7 अप्रैल को हम 2 बजे लाइव आएंगे, वो वीडियो को देख लो, अगर 7 अप्रैल के बाद देख रहे हो इस वीडियो को तो वीडियो को देख लेना, उस लाइव में तुमको हम बता देंगे कि आपका 2 बजे कि आपका कैसे कैसे डेली क्लास चलेगा, कहाँ नोट्स मिलेगा, ये सब, और फिर 8 अप्रैल से क्लास एकदम रेगुलरली चलने लगेगा। चलो, तो हमको उम्मीद है कि तुम लोग कब फॉर्म आएगा ये भी समझ गए और कैसे कैसे तैयारी करना है ये भी समझ गए। सो वीडियो के लास्ट तक बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, घर में रहो, सुरक्षित रहो, मास्क का प्रयोग करो।